हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी और कैसा लग रहा है पुराने चैनल पर वापस लौट कर? बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने अप्रिशिएट किया और बधाई दी। और बस इससे काम नहीं चलेगा भैया, अब चूंकि पुराने चैनल पर लौट आए हैं तो अब फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। थोड़ा आप लोग भी मदद करिए और भी सब्सक्राइबर भिजवाने में। और आज की जो आप बीती है वो तीन स्टोरी लेके आया हूँ और तीनों बहुत हार्ट टचिंग है। मुझे तो इनको पढ़ते हुए सच में बहुत बहुत तकलीफ हुई। पहली और दूसरी स्टोरी काले जादू पर बेस है। काला जादू लोग माने चाहे ना माने मगर होता है और ज्यादातर लोगों का बुरा करने के लिए किया जाता है। और सच मानिए, जो इसे भुगतता है ना वही जानता है कि कितनी तकलीफों और कितने दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। पता नहीं क्यों लोग दूसरों को बुरा करने की सोचते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि यूनिवर्स कहता है आप अगर दूसरे को दुआ दोगे तो वो 10 गुना होकर आपके पास रिफ्लेक्ट होगी, और आप अगर किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा जरूर होगा। काला जादू करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता, ये याद रखिएगा। काला जादू करवाने वाला और करने वाला दोनों को ही उसका प्रतिफल भुगतना पड़ता है और हाथों हाथ भुगतना पड़ता है। मगर जिस पर काला जादू किया जाता है उसको कितनी तकलीफ होती है, उसको कितना दर्द होता है, ये वही बता सकता है। आज की पहली जो घटना है वो आई है अमृतसर से। लिखने वाले सुखविंदर सिंह जी, ये लिखते हैं, भाई ये मेरे 10th क्लास की घटना है। जब मैं 10th क्लास में था, आज मैं 2nd ईयर में पढ़ रहा हूँ। हम जिस शहर में और जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पर मेरी क्लास सीनियर एक दीदी थी जो 11th में थी, पढ़ाई में बहुत तेज थी, हमारी पहचान की थी। मैं अक्सर उनके पास नोट्स लेने, गैस पेपर्स लेने पुराने, और सम्स वगैरह समझने के लिए चला जाया करता था। दीदी पढ़ाई लिखाई में बहुत इन्वॉल्व रहती थी, इसलिए उनके साथ कोई और बात करना उन्हें पसंद नहीं था। जिस मैटर पर पढ़ाई के बात होती थी उसके बाद बात खत्म हो जाती थी। बट जब मैं उनके घर जाता था तो उनके घर से 2 घर पहले एक लड़की को देखता था। लड़की यही कॉलेज जाने वाली ही कोई होगी, मगर वो पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। वो खिड़की के पास खड़ी रहती थी, कभी खिड़की को पकड़ के चिल्लाती थी, कभी रोती थी, हंसती थी। आते जाते बच्चे उसका नाम ले लेकर उसे चिढ़ाते थे और वो कभी इस बात पर हंसती थी, कभी गुस्सा होती थी। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने कई बार सोचा दीदी से इस विषय में पूछूं, मगर कभी हिम्मत नहीं होती थी। बट 10th के एग्जाम जब करीब थे, एक दिन मैंने दीदी से इस विषय पर पूछ ही लिया, और दीदी ने जो बताया वो कुछ इस तरह से था। वो लड़की दीदी से भी उम्र में बड़ी थी, मगर विक्षिप्तता के कारण वो इस तरह से कमजोर सी हो गई थी। पहले वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी और हमेशा पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। दीदी जब छोटी थी तो कई बार वो उनके पास पढ़ने चले जाया करती थी। जिस कोचिंग में वो पढ़ती थी उसके रास्ते में एक किराना दुकान पड़ता था। किराना दुकान वाले का लड़का स्वभाव से बहुत बदमाश किस्म का था। चूंकि वो लड़की काफी सुंदर थी, वो लड़का अक्सर उसे रास्ते में रोककर तंग किया करता था और उससे अपना एक तरफा प्यार जाहिर किया करता था, मगर वो उसे डांट देती थी क्योंकि उसे इन सब बातों से कोई मतलब भी नहीं था, वो तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में व्यस्त थी। एक दिन उस लड़के ने काफी जोर जबरदस्ती की और कहने लगा मुझसे शादी कर लो, शादी के बाद तुम पढ़ाई जारी रखना, ऐसी बातें। लड़की बहुत अधिक गुस्सा हो गई और सरेराह उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि दोबारा मेरे सामने मत आना वरना पुलिस में डाल दूंगी। लड़का इस बात से डर गया और दोबारा उसे तंग नहीं करता था, मगर मन ही मन
वो इस बात का बदला लेने की सोचने लगा। लड़के का एक मामा था जो भी स्वभावतः उसी की तरह बहुत बदमाश था। मामा ने लड़के को बदला लेने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया। लड़के का एक और दोस्त भी था जो उसके हर काम में उसके साथ रहता था। ये तीनों एक दिन एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उन्हें कुछ मंत्र पढ़कर एक पानी दिया और कहा, यह लड़की के सर में डाल देना, काम हो जाएगा। बदले में उनसे 5,000 रुपए लिए। एक दिन मौका पाकर उस लड़के ने वो पानी उस लड़की के सर में डाल दिया और उसके बाद से ही धीरे धीरे लड़की की हालत खराब होने लगी। पढ़ाई लिखाई दूर हो गई, पागलों की तरह वो हरकतें करने लगी। इकलौती लड़की थी, माता पिता बेहद परेशान थे, क्या करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, मगर परिस्थितियां दिन ब दिन खराब होने लगी। लड़की की इस स्थिति को देखकर उस लड़के का जो दोस्त था उसका मन थोड़ा सा बदल गया। उसने आकर लड़की के माता पिता को सारी बात सच सच बताई और कहा कि इसका तोड़ निकलवाइए, तभी कुछ हो सकेगा। मगर तोड़ निकाले कौन? उनके माता पिता तब से लेकर आज तक प्रयास में लगे हुए हैं, मगर लड़की को ठीक नहीं कर पा रहे। लड़का भी कोई सुखी नहीं रहा। इस घटना के साल भर बाद ही वो भी पागल सा हो गया। सड़क सड़क पर घूमता रहता था और उसके मामा की अपेंडिक्स फटने से मौत हो गई। हालांकि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, पर उस लड़की के बारे में सोचकर मुझे बेहद दुख हुआ था। कोई अपने स्वार्थ के लिए कैसे एक जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हालांकि 10th के एग्जाम होने के बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया और हम दूसरे शहर चले गए। उसके बाद फिर उस लड़की के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल पाया, क्या उसके माता पिता उसे ठीक करने का कोई उपाय कर पाए या नहीं। पर आज भी जब उसके बारे में सोचता हूं बहुत बहुत तकलीफ होती है। तो ये थी पहली घटना। सच में इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना क्रूर बन जाता है। एक लड़की के सपने किस तरह से तबाह हो गए। यूनिवर्स से निवेदन है उसका ठीक होने का तोड़ उसके माता पिता को मिल गया हो। आप सब दुआ कीजिएगा। दूसरी घटना भेज रहे हैं बोकारो मध्य प्रदेश से राम कौशिक जी। ये लिखते हैं, ये मेरे दोस्त के साथ हुई घटना है और उसने अपना नाम देने से मना किया है, इसलिए आप कोई नाम दे दीजिएगा उसे, तो हम उनसे राम का ही नाम दे देते हैं। तो ऐसा है कि ये घटना राम की माँ के साथ घटी हुई है। उनकी माँ का विवाह जब हुआ तो राम के पिताजी दो भाई थे, इनके पिताजी के बड़े भाई और राम के माता पिता। राम की जो बड़ी माँ थी वो स्वभावतः बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की थी, मतलब सिर्फ अपना भला हो, अपने बच्चों का भला हो, ये चाहती थी, दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। मोहल्ले में भी वो अक्सर लोगों से लड़ाई झगड़ा करती थी, जिसे कहते ना खुद से कूद कर लड़ना, उस तरह के स्वभाव की थी। तो राम की माँ जब ब्याह कर घर आई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, इनका स्वभाव कैसा है। बट समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन अचानक उनके घर एक महिला आई जो साध्वी जैसी थी, पर महिला ने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और काले रंग का टीका लगा रखा था। महिला राम की बड़ी माँ से बोली, तू मेरी उपासना कर, मेरी पूजा कर, मैं तेरे सारे मनोरथ पूरे कर दूंगी, पर हाँ वक्त आने पर मैं तुझसे कुछ मांगूंगी, तब तुझे मुझे देना होगा। धीरे धीरे राम की बड़ी माँ उस महिला की बहुत बड़ी भक्त बनने लगी। अक्सर वो महिला इनके घर आती थी। एक दिन अचानक राम की माताजी ने देखा कि घर में कुछ पूजा हो रही है। हालांकि इनके घर अलग अलग थे, एक जगह ही रहते थे, घर अलग अलग थे, तो इनकी बड़ी माँ वाले हिस्से में कुछ पूजा हो रही, वो महिला यज्ञ में कुछ आहुतियां दे रही है, मंत्र बड़े अजीब से हैं,
और कहते हैं जब पूजा होती है तो हवन कुंड से सुगंध चारों ओर फैल जाती है, मगर इस हवन कुंड से अजीब सी बदबू आ रही थी। वो क्या पूजा हो रही थी इनको समझ में तो नहीं आया, पर जब उनकी बड़ी माँ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के भले के लिए मैं कुछ हवन करवा रही हूँ। और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बड़ी माँ की जो भाभी थी, मतलब उनके इकलौते भाई की बीवी, वो आश्चर्यजनक से बीमार पड़ के मर गई। कहते हैं उस समय इनकी भाभी के साथ राम की बड़ी माँ का कुछ विवाद था। राम की बड़ी माँ की जो माँ थी वो मरते समय कुछ गहने जो है इनमें बांट गई थी, इनकी भाभी में और इनमें, मतलब बेटी को आधा हिस्सा, बहू का आधा हिस्सा, और उससे ये संतुष्ट नहीं थी। पर भाभी की मौत के बाद वो जो हिस्सा था वो भी इनको मिल गया। पर अचानक इस घटना से राम की माँ काफी भयभीत सी हो गई थी, उन्हें कुछ शक सा होने लगा, और ये शक और तब बढ़ गया जब राम के जो बड़े पापा थे वो भी पत्नी के साथ रह रहे के स्वभावतः उन्हीं के जैसे होते जा रहे थे। तो उनकी जो है एक किराना की दुकान हुआ करती थी, तो पड़ोस वाले दुकानदार से इनकी बहुत लड़ाई हो गई थी किसी बात को लेकर। तो एक दिन राम की माँ ने देखा कि इनकी बड़ी माँ जो है कुछ लेकर आ रही, कुछ अजीब सा चीज। तो जब गौर से उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। वो घोंसला सा था, और जहां तक इनका शक था वो कमुए का घोंसला था। तो इन्होंने पूछा, दीदी इससे क्या होगा? बोली, असली में मैं उधर से गुजर रही थी तो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, सोचा कोई अंडे अंडे ना हो इसलिए ले आई हूं। इसके ठीक कुछ दिनों बाद उनके घर में फिर एक यज्ञ हुआ, और आश्चर्यजनक तौर से कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि राम के जो बड़े पापा हैं उन्होंने बगल वाली दुकान, वो जो जिस व्यक्ति से लड़ाई हुई थी, वो भी खरीद ली है, क्योंकि वो व्यक्ति इस वक्त बहुत बुरी तरह से बीमार है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उसने जो दुकान है इनको बेच दी है। और कुछ दिनों बाद ठीक खबर आई कि उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। तो अब इस घटना से तो राम की माँ काफी भयभीत हो गई, और उन्होंने फिर राम के पिताजी से कहा कि देखो हमें जायदाद में हिस्सा हिस्सा नहीं चाहिए, पुश्तैनी जायदाद में ये लोग रखे, हम यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है इससे मुझे डर लग रहा है। तो राम के पिताजी भी इस बात से अब थोड़े बहुत अवगत हो गए थे, तो उन्होंने भी बात मान ली, और राम की माँ के पास जितने गहने थे उसे बेचकर इन्होंने दूसरी जगह जमीन खरीदी और वहाँ पर एक छोटा सा घर बनाने लगे। और उस दौरान जो है ये लोग एक किराए के मकान में रह रहे थे। तो राम की माँ थोड़ी निश्चिंत हुई, चलो झंझट से पीछा छूटा। इस दौरान राम की जो बड़ी बहन है स्निग्धा, उसका भी जन्म हो चुका था, मगर अब भी इनका पीछा नहीं छूटा था, क्योंकि जहां पर इनका घर बन रहा था वहां के पड़ोसी ने एक दिन इनको खबर दी कि आपके उस बनते हुए घर में रोज रात को एक महिला आती है और कुछ अजीबोगरीब पूजाएं कर रही है। तो ये लोग फिर चिंतित हो गए, क्या है? तो एक रात जो है ये लोग वहां गए तो देखा, ठीक अंदर एक महिला बिल्कुल शाल ओढ़े बैठी है और कुछ अजीबोगरीब मंत्र जप रही। तो राम की माँ ने बिना कुछ सोचे समझे एक जोर आवाज में कहा, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? और अगले ही पल जब महिला ने शॉल हटाया, वहां पर उसकी बड़ी माँ थी। वो एकदम हड़बड़ा कर उठी, बोली, अरे वो तुम लोग यहाँ घर बना रहे हो ना, तो बलाओं को टालने के लिए मैं पूजा कर रही थी, करके जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। हालांकि उसके बाद फिर वो वहां नहीं आई और इनका घर भी तैयार हो गया और ये लोग उस पर शिफ्ट भी हो गए। पर घर में जाने के बाद भी उस घर में रहते हुए इन्हें कभी अच्छा नहीं लगता था, हमेशा एक भारीपन सा महसूस होता था। और घर के पीछे तरफ एक कुआं था और पास ही में एक बेर का पेड़ था, तो काफी फल होते थे उसमें। ये देखकर इन लोगों ने, मतलब एक फलंत पेड़ जैसे काटते नहीं है ना, परिवार में अशुभ होता है सामान के, उसको नहीं काटा था। पर अब
वो जो इलाका था इनके लिए डर का पर्याय बनने लगा। एक दिन रात में अचानक ऐसा लगा जैसे पेड़ के पेड़ से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरे हों। तो राम के पिता दौड़ कर गए। अब ऐसा होता है ना, बच्चे लोग पेड़ के पेड़ में पत्थर मारते हैं पेड़ तोड़ने के लिए, मगर एक तो रात का समय, दूसरा उस पेड़ पर फल भी नहीं थे, उस समय बेर का सीजन नहीं था, तो पत्थर कौन मारेगा। मगर जब ये जाकर देखते तो वहां पर कोई पत्थर नहीं था, पर आवाज बिल्कुल ऐसी है। साथ ही रात में ऐसा लगता था जैसे दीवारों में, हर दीवार से अजीब गरीब मंत्र की आवाज आ रही है। तो इस बात से काफी परेशान थी इनकी माँ, और उनकी बेटी जो है वो अक्सर दीवारों की तरफ देखकर रोती रहती थी। कहते हैं ना बच्चों में ये सब कुछ क्वालिटी पाई जाती है। तो जैसे तैसे दिन बीतने लगे, परेशानी के दिन थे, नया घर बनवाया, अब यहां से शिफ्ट भी नहीं हो सकते, रहना मजबूरी है। तो राम की माँ क्या करती थी कि जैसे शान जो होती थी संध्या बत्ती देके, वो किसी अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ जाके बैठ जाती थी जब तक राम के पिता ड्यूटी से नहीं आते थे, आने के बाद ही वो घर वापस आती थी। तो इस तरह से दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि इनके पिता की छुट्टी थी, राम के पिता की छुट्टी थी, तो इनकी माँ कुछ मार्केटिंग करने बाहर गई थी। जब वापस लौटी तो उसने देखा कि घर पर ना तो उनकी बेटी स्निग्धा है और ना ही राम के पिता है। तो पहले तो आस पड़ोस में पता किया उन्होंने, उसके बाद मन में एक खटका लेके वो पैदल ही उसी हाल में दौड़ती हुई अपने पुराने घर की तरफ चल दी। और जब उस घर में पहुंची तो उन्होंने देखा कि इनके जो हस्बैंड है, राम के पिता हैं, वो अपने बड़े भाई से बैठकर बातें कर रहे हैं और बच्ची उनके पास नहीं है। तो एकदम हड़बड़ाकर अंदर घुसी, और जब अंदर घुसी तो अंदर कमरे में देखा कि वही साध्वी बैठी हुई है और इनकी बड़ी माँ जो है बच्ची को गोद में लिए है और वो कुछ मंत्र पढ़ रही। तो ये एकदम बिलखते हुए गुस्से से जाकर बच्ची को उससे झपट लिया, दीदी ये क्या कर रही हो मेरी बच्ची के साथ। तो बोली तुम्हारी बच्ची के भले के लिए एक अनुष्ठान करवा रहे। ये तो एकदम उबल पड़ी, दीदी तुम हद से गुजर गई, दूसरों का बुरा करके तुमको क्या मिलता है, अपनों का तुम वो बुरा करने पर तली। इस तरह से बहुत जली कटी उनको सुनाई और कहा मेरी बेटी का भाग्य वो खुद लेकर आई है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, खबरदार आज के बाद अगर मेरे घर पर तुमने कदम रखा तो, ऐसा ऐसा कह के बिल्कुल बच्ची को गोद मिली हुई अपने पति का हाथ पकड़ के रोते रोते खींचते खींचते उसको घर ले। इसके बाद हालांकि वो महिला या उस महिला का परिवार इनके घर तो नहीं आया, पर कहते हैं ना भगवान भी इस दुनिया में है, अगर बुरा करने वाले शैतान इस दुनिया में है तो भगवान भी इस दुनिया में। ऐसे ही एक दिन अचानक इनके दरवाजे पर अलख निरंजन का आवाज सुनाई दिया। मैंने देखा एक भगवा वस्त्रधारी साधु द्वार पर भिक्षा मांगते हुए खड़े थे। तो ये जल्दी सीधा सजाकर उसको देने के लिए जा रही थी, तो जैसे ही ये बाहर निकल रहे थे तो देखा वो साधु एक टक जो है वो बेर के पेड़ की तरफ, कभी कुएं की तरफ, कभी घर की दीवारों की तरफ देख रहा। तो उन्होंने कहा बाबा भिक्षा लीजिए, उसका ध्यान नहीं था, वो अभी भी उधर देख रहा। फिर अचानक से एकदम चौंका, हाँ 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 माँ क्या हुआ। फिर अचानक बोला माँ तू बहुत शक्तिशाली है, तेरे पुण्य बहुत ज्यादा है जो इस प्रेत ग्रसित घर में तू अभी तक सुरक्षित है। तो ये तो बिल्कुल बिलख पड़ी क्योंकि इनको तो पता था क्या हो रहा है। तो ये पापा बोले चिंता मत कर माँ, तेरे दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं, तेरे घर में लक्ष्मी का कलश है तो ये अपने घर में लक्ष्मी जी के सामने पानी का कलश रखती, तो बोले उसको लेके आ। उसके बाद उन्होंने कुछ देर तक उसको मंत्र अंतर पढ़े, फिर कहा माँ इसका जल घर के हर हिस्से में छीट देना, याद रहे घर का एक कोना भी ना बचे, इस तरह से छीटना कि सब तरफ पड़े और खासकर उस बेर के पेड़ और कुएं के उसमें जरूर छीटना। फिर उन्होंने कहा कि जो घर प्रेत ग्रसित होता है वहां से मैं भिक्षा नहीं लेता, इसलिए मैं भिक्षा तो नहीं लूंगा माँ, मगर तू निश्चिंत हो जा फिर सारे दुख अब खत्म होने वाले। इसके बाद तो वो चले गए और इन्होंने भी पूरे घर में पानी यानी छीट दिया, और उसके बाद से सच में घर बिल्कुल हल्का सा हो गया।
बच्ची भी अब रातों को दीवारों की तरफ देखकर नहीं रोती थी, रातों को मंत्रों की आवाज आना भी बंद हो गई। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि वो बेर का पेड़ पूरी तरह से सूखकर नष्ट हो गया। और दूसरी तरफ जो है इनकी जो बड़ी मम्मी, उनकी घटना सुनने में आई थी। उस साध्वी ने उनसे जो है उनका जो तीसरा बच्चा था वो मांगा था, बट अब माँ का रूप माँ कैसे देते, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। तो साध्वी ने कहा, मैंने तुझसे कहा था मैं तुझे सब दूंगी, मगर उसके बदले में जो मांगूंगी देना पड़ेगा, तुझे देना पड़ेगा। तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो उसके एवज में हुआ ये कि उनका जो है वो वाला बच्चा तो खुद बुरी तरह से बीमार होके मर गया, बाकी दोनों बच्चे भी अजीब तरह के रोगों से ग्रसित हो गए, और ये जो बड़ी माँ थी वो पूरी तरह से पागल हो गई, और अपने जीवन के अंतिम जो है दिन उन्होंने पागलखाने में बिताए। इस बीच फिर राम जो है इनका जन्म हुआ, और वो धीरे धीरे फिर अपने नए घर में ही पले बढ़े। तो ये एक बहुत सही बात है दोस्तों, इस तरह से दूसरों का जो भी बुरा करना चाहता है उसका कभी भला नहीं होता, मगर पता नहीं क्यों इंसान इस तरह की हरकतें करता है। और ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि हम लोग की भी ये भुगती हुई घटना है। हमारी जो बड़ी मामी है, बड़ी मामी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, मतलब हुआ ये था कि उनकी जो शादी थी, मतलब मामा उस टाइम अच्छी नौकरी नहीं करते थे, मगर वो कहते ना शादी करना, उनको उस समय जोर था। तो नाना जी को हालांकि मामी का घरवार उतना पसंद नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे उनके घर में, ऐसी बड़ी फैमिली में कोई शादी नहीं करना चाहता, मगर मामा का ये था नहीं, आया हर रिश्ता यहीं कर दो। तो नाना जी जब वो आई शादी होके, तो उनसे थोड़ा सा बिहेवियर सास ससुर का जैसा होता है ना, थोड़ा बुरा था। मामी ने हालांकि लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, मामा की जॉब चूंकि उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया, सिलाई की, और इससे जो है अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन को संभाला था। नाना जी के घर से तो अलग ही हो गए थे, तो उसको बहुत संभाला था, मगर उनके बारे में सुनते थे हम लोग, मतलब इस टाइप का वो इन्वॉल्व थे, और बचपन में वो करती भी हम लोग को भी, मतलब जब छोटे थे हम लोग तो होता ना मामा मामी के घर जाओ, हम लोग क्या जाने या क्या है, बट हम लोग को बहुत गलत चीज़ें सिखाती थी, मतलब हमारे माँ बाप के बारे में बुरा बोलेगी कि तेरे मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे हैं, तेरे को ज़्यादा प्यार नहीं करते, तेरी दीदी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इस तरह से वो भड़काती, नाना नानी के बारे में भड़काती। बट समय के साथ फल मिलता है। आज उनकी हालत भी बहुत खराब है, उनका इकलौता लड़का है, उसके साथ पढ़ता नहीं उनका, और वो खुद कहता है, लड़का खुद कहता है कि मेरी माँ मतलब बहुत बुरे स्वभाव की है, बचपन में जो हमारे छोटे मामा के दो लड़के थे उनको भी वो ऐसा सिखाती। अब हमारा तो भाई ऐसा है कि हम तो बचपन से चाणक्य थे, कहीं बताऊंगा मेरे नाना के यहाँ की बात, बचपन से बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत कुछ सीखा, इसलिए दिमाग डेवलप था। तो मामी जब ऐसा कहते तभी समझ गए थे कि ये ऐसी है। छोटे मामा के लड़कों को उन्होंने काफ़ी हद तक डाइवर्ट कर दिया था, ये तो उनकी किस्मत है कि बाद में वो बड़े हुए तो समझे। आज उनका लड़का कहता है कि मेरी माँ बचपन से ऐसा करती थी, मेरे को भी भटकाती थी, सबको भटकाती, ये बात उनका लड़का कहता है, और लड़के बहू से एकदम उनके पटती नहीं। और मेरी जो मझली मौसी है उनकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रहा था, तो उस टाइम बचपन की यादें उतनी अच्छे से तो याद नहीं है, मगर उस टाइम जो है कोई ऐसा बाबा जी थे वो आए थे, वो बताए थे कि घर के कोने में एक लाल पोटली है जो आपकी भाभी ने रखी है, इस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही। और सच में उस जगह से वो उस तरह की पोटली निकली थी। अब ये उतनी क्लियर कट तो याद नहीं, काफ़ी छोटे थे हम, पर होता है दोस्तों ऐसा, और करने वाला सजा तो पाता है। क्या यूनिवर्स के साय में सब अच्छे से रहे, सबको सुख मिले। बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सीरीज भी शुरू करूंगा, आप लोग जरूर सुनिएगा, और आज की कहानी कैसे लगी बताइएगा। तीसरी कहानी अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अगली कहानी जो है वो काफ़ी बड़ी है, जो अगले एपिसोड में दूंगा, और बहुत दिल छूती कहानी है। तो जल्दी से कहानी को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।